स्टूडेंट से कि कैसा था रिजल्ट? देखिए जे आरबीआई रेट बढ़ाया लास्ट क्वार्टर में, तो लास्ट क्वार्टर में आरबीआई बढ़ाने के बाद हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ वो देख देख पाया जे हमारा जो नीम है, नीम एक्सपेक्टेड ही है 8% है। तो व्हाट एवर द आरबीआई इंक्रीज द रेट, इट इज इम्पैक्टेड टू द डिपॉजिट रेट ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज इम्पैक्टेड टू द एडवांस रेट। सो बोथ आर बैलेंसिंग इन दैट सेंस, सो इट इज नॉट इम्पैक्टेड मच मोर टू द बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा जो ट्रेजरी है इतना बिगड़ नहीं है, बट आफ्टर ऑल लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट आया, तो लॉस भी बुक हो गया। तो हम समझते हैं जे फ्यूचर अभी जे देखते हैं जे मार्केट अच्छा चल रही है, उस तरफ में वो रिकवर हो जाएगा इस साल में। कमेंट्री अच्छी आती हुई नजर आ रही है बंधन बैंक से। स्टॉक ऑफ लोज है, लेकिन यहां से कहां पे देख के बताएं यहां पे कोई ट्रेड है क्या? कहां पे देख के बताएं यहां पे कोई ट्रेड है क्या? ओके, क्षितिज से डिस्कस कर लेते हैं। क्षितिज, बंधन बैंक के चार्ट्स क्या ट्रेड बता रहे हैं? ये बिल्कुल, यहाँ पे बंधन बैंक के अगर हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक यहाँ पे लगभग ट्रेड कर रहे हैं 280 282 के करीब। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे स्टॉक एक बिल्डअप जरूर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बेस बनाने की। अभी भी मुझे लगता है 290 का जो जोन है, 290 से 295 का जोन एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। बिकॉज स्टॉक अगर हम लोग देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा मैं, बट यस अगर अभी बेस बना रहा है और अगर इस बेस कंसोलिडेशन फेज से निकल के इसको दोबारा अपसाइड मोमेंटम कैच करना है तो मुझे लगता है 295 की यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। 295 के ऊपर एक बार मोमेंटम कैच करता है तो उसी वक्त मुझे लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले हम लोग प्ले कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, लेकिन उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा जिनके पास ऑलरेडी ये पोजीशन होल्ड है उनके लिए 270 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 270 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अपनी करंट पोजिशन को होल्ड ऑन जरूर कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजिशन के लिए फिलहाल के लिए भी वेट एज ऑफ नाउ तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे यूज करेंगे बंधन बैंक के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक